नमस्कार, आप देख रहे हैं समाज ए टू जेड। जनपद अमेठी से इस वक्त की खबर। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देश पर पार्टी नेताओं व कार्यकर्ताओं का जोरदार धरना प्रदर्शन। आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर 16 सूत्री मांगों को लेकर अमेठी जनपद के चारों तहसील मुख्यालय पर समाजवादी पार्टी की विधानसभा अध्यक्ष की अगुवाई में बढ़ती महंगाई, कानून व्यवस्था, रोजगार की मांग, गन्ना बकाया मूल भुगतान को लेकर यहाँ समाजवादी नेता व कार्यकर्ताओं ने मिलकर जोरदार धरना प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि योगी राज महिला अपराध पर रोक लगाने में विफल हो रही है, वहीं आम जनता अन्य नैतिक समस्याओं के समाधान के लिए मांग की है। यह प्रदर्शन जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक की टीम के साथ कर रहे विरोध प्रदर्शन की निगरानी करने के लिए भारी पुलिस बल की तैनाती की गई। इस कार्यक्रम में अमेठी तहसील के सपा नेता गुंजन सिंह, राजा सिंह, शंभू यादव, बीके यादव, रामवरण यादव, मुन्नू यादव, रमाशंकर यादव सहित सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। समाचार ए टू जेड के लिए अमेठी से आशीष सिंह की रिपोर्ट। नाम है आपका, किस पद पे हैं? मनीराम वर्मा, अमेठी विधानसभा अध्यक्ष समाजवादी पार्टी। आज किस तरह का प्रदर्शन किया गया यहाँ पे और क्या मांगे हैं आप लोगों की? यहाँ पे प्रदर्शन भाजपा सरकार के खिलाफ किया गया, उसकी नीतियों के खिलाफ किया गया है। और यहाँ पे जो किसानों का उत्पीड़न हुआ है, महिलाओं पे उत्पीड़न हुआ है, जो महंगाई कमरतोड़ चढ़ रही है और आरक्षण में जो लूट मची है, उसके लिए समाजवादी पार्टी के हजारों कार्यकर्ता आज यहाँ पे ज्ञापन धरना प्रदर्शन में शामिल। आपकी प्रमुख मांगे क्या है? प्रमुख मांगे 16 सूत्री मांगे, अभी हमने उसको ज्ञापन के माध्यम से बताया है, जिसमें कि किसानों का बकाया है, महिलाओं पे हो रहे अत्याचार है, चुनाव में हुई है धांधलियां जो हुई है, इन्होंने प्रशासन के जरिए जो है लूट करवाई है, लोकतंत्र की जो हत्या हुई है, उसके विरोध में हम लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन करने के लिए मजबूर। अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होती है तो आगे की रणनीति क्या होगी? आगे रणनीति जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्देश होगा, उस पर हम सारे समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता उसके विरोध में हम लोग यहाँ भाजपा सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन से लेकर और जो भी निर्देश प्राप्त होगा वही हम लोग नियमता के अनुसार हम लोग काम करेंगे।